अब शब्द कहे हर किसी से ऐसे करता रहा, इसलिए दक्ष के सिर पे बकरी का सिर लगाया गया। और तो भगवान की स्तुति करके यज्ञ संपन्न हुआ। लोग शंकर भगवान की। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। एक आसन पर बैठ करके परीक्षित कथा का श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित ने बड़े दत्तचित होकर के कथा का श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, दत्त जाए उत्तानुपादस्य सुनुति सुरुचि स्तथो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यु नेतरां यस्वतो ध्रुवा। मनु और सद्रूपा के जो जो पुत्र थे उनमें एक पुत्र का नाम था उत्तानुपाद। ध्यान देना, उत्तानुपाद राजा हैं। उत्तानुपाद राजा की दो पत्नी है। जाये उत्तानुपादस्य सुनुते सुरुचिस्तथो। एक पत्नी का नाम है सुनुति, बड़ी पत्नी है सुनीति। सुनीति का तो होता है जो धर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलती है। बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, सास ससुर की सेवा करना और संसार के व्यवहार में अपना धर्म निभाना, प्रत्येक की इज्जत करना, वो है सुरुचि। असुरुचि प्रेयसी पत्नी। दूसरी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है जो जीव को अच्छा लगे, दुनिया की परवाह नहीं करती, जो मन करता है वो खाती है, न कोई धर्म मानती है न कोई कर्म मानती है, मन के अनुसार सजना सवरना उसका काम है। पर राजा जो छोटी पत्नी सुरुचि है उससे प्रेम करता है, बड़ी पत्नी सुनीति उससे प्रेम नहीं करता, उसको महल से बाहर निकाल दिया है और बाहर झोपड़ी बना करके बड़ी पत्नी सुनुति रहती है। देखो संसार को समझना बड़ा कठिन है। राजा उसके शरीर से प्रेम करता है कि ये पत्नी मेरी बड़ी सुंदर है और उस पत्नी की हर बात को मानता भी है, उसके बस में प्रेम में बना हुआ है राजा। बड़ी पत्नी को महल से बाहर निकाला है, बेचारी झोपड़ी में रहती है। दोनों के पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, असुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। राजा अपनी छोटी रानी से इतना लगाव है कि उसी के महल में रहता, उसी से प्रेम करता और बड़ी की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देता। पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पे लगाए, उसे पत्नी कहा गया है। परंतु राजा का मन छोटी रानी की तरफ है। ध्यान देना, एक राजा थे भर्तृहरि। भर्तृहरि को एक साधु ने एक फल दिया और राजा को कहा कि राजन तुम इस फल को अगर खाओगे तो जीवन भर तुम्हारी जवानी बरकरार रहेगी, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। राजा ने जब वो फल लिया तो सोचा कि मैं जवान रह के क्या करूंगा, मेरे महल में राजा था, कई दासियां थी, पत्नियां भी बहुत थी राजा की, तो राजा अपनी दासी से प्रेम करता था। राजा ने सोचा कि मेरी जिससे मैं प्रेम करता हूं वो जवान रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उसने वो फल दासी को दे दिया। दासी ने जब वो फल देखा और फल के बारे में पता लगा कि ये फल मैं खाऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी,
वो दासी उसी महल में एक सिपाही सैनिक था, उससे प्रेम करती थी। उसने कहा मेरा जो प्रेमी है वो हमेशा सुंदर दिखे, जवान दिखे, इसलिए मैं एक फल उसको देती। उसने उसको फल दे दिया। जब सैनिक को फल दिया तो सैनिक जो है राजा की जो पत्नी थी उससे प्रेम करता था, उसने वो फल रानी को दे दिया। अब जो रानी थी वो राजा से प्रेम करती थी, उसने राजा को फल दिया। वो फल घूमते हुए एक दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से उसी के पास पहुंच गया, राजा के पास। राजा के पास जब वो फल गया, उसने पता लगाया फल कहां कहां कैसे मेरे पास आया। राजा को उसी समय संसार का ज्ञान हो गया कि कोई किसी का नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा ने घर बार का त्याग कर दिया और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अपार संसार दुख सागर इसमें लीनम परो ब्रह्मणि यस्यचेत। राजा ने तो संसार में दिखावे के लिए सब कहे मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, पर मन से कौन किसका है ये आज पता चला। ऐसे ही उत्तानपाद राजा अपनी छोटी पत्नी से कितना प्रेम करता है उसी के कहने के अनुसार चलता। एक दिन बड़ी रानी का बेटा ध्रुव 5 वर्ष का, 5 वर्ष का बालक कितना कोमल हृदय होता है, खेलते खेलते राजा के महल में गया। राजा के महल में गया तो देखा कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए। ध्रुव जी को पता है कि ये मेरे पिता हैं, रानी भी बगल में बैठी है। ध्रुव जी के मन में अनायास विचार आया मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं, पिता तो मेरी ही है और पिता भी चाहता है कि मेरा पुत्र ध्रुव मैं इसे प्यार करूं। मन में प्यार करने की भावना है पुत्र से, परंतु छोटी रानी के डर के मारे पुत्र की तरफ देख नहीं सकता, ध्रुव की तरफ। ये छोटी रानी मुझे डांटेगी, मुझसे नाराज रहेगी, मुझसे प्रेम नहीं करेगी। ध्रुव जी गए और राजा की गोद में बैठ गए। जैसे ध्रुव जी राजा की बैठ में गोद में बैठे, छोटी रानी सुरुचि ने हाथ पकड़ा जमीन पे पटक दिया। तपसा साध्य पुरुषम ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं है। हाथ पकड़ करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। गर्भत्वम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी ने पूछा कि मां क्यों, ये मेरे भी तो पिता है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तो सुरुचि ने उत्तर दिया कि तपसा साध्यम पुरुषम, बेटे इस गद्दी पर बैठने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे पहले तप करना पड़ेगा और तप करके जब भगवान प्रसन्न होंगे तब तुझे भगवान से वरदान मांगना पड़ेगा कि मैं सुरुचि मां के गर्भ से जन्म लूं। साध्यात्मानं गर्भे, मेरे गर्भ से जब तू पैदा होगा तब तो पिता अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। यहां पर सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया, भगवान से बढ़कर अपनी कोख पर बताई कि मेरी कोख में तू जन्मेगा, जब तू साधना करेगा साधना के बल पर मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ध्रुव जी ने जब ये बातें सुनी 5 वर्ष का बालक बड़ा दुख हुआ। मातो सपत्न्या सदुरकी चपिद्धा, 5 वर्ष का बालक कितना छोटा कोमल अपनी मां के पास गया। लाडये पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताडये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वत समाचरी
शास्त्र कहता जब तक 5 वर्ष का बालक हो उसे खूब प्यार करना चाहिए, उसे डांटना फटकारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हृदय उस समय कोमल होता है। जो बात आप कहेंगे उसके चित्त में बैठ जाएगी, जो कहेंगे वही समझेगा। मक्खन की तरह कोमल होता बालक का मन, जो बातें आप संस्कार में डाल देंगी वही वो आचरण भी करेगा, सीखेगा ही, जैसा देखेगा वैसे सीखेगा। दस वर्षाणि ताड़े, जैसे 10 वर्ष का हो जाए तब उसे स्कूल भेजना पढ़ाना, कोई काम अच्छा न करे तो उसे डांटना, दो चपेट भी लगा देना उसके समझाने के लिए। और प्राप्ति तो 16 वर्ष का जब बालक हो जाए तो मित्रवत समाचरे, उसे मित्र के तो दोस्त की तरह समझाना चाहिए कि बाहर कैसे किससे बात करनी है, बड़ों को नमस्ते करनी है, प्रत्येक का आदर करना है, सबका सम्मान करना है, ये संस्कार सिखाने। तो ध्रुव जी 5 वर्ष के, ध्रुव जी रोते भी अपनी माँ के पास गए, माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, किसी ने तुझे मारा, किसी ने डांटा, तो क्यों रो रहा है? तो ध्रुव जी के गले से आवाज नहीं निकली, छोटा बच्चा जब रोता है सिसक सिसक के तो कंठ से आवाज नहीं निकलती, कुछ नहीं बोल पाए ध्रुव जी। तो साथ में जो और बालक थे, उनके दोस्त जो खेलने गए थे, उन्होंने पूरी बात बता दी ध्रुव की माँ को कि सूर्य ने इसे ऐसा ऐसा कहा, डांटा कि तुझे तप करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो सुनीति ने बड़ी गंभीरता से बात सुनी और कहा बेटा जो बात मैं तुझे नहीं सिखा पाई तेरी सौतेली माँ ने तुझे सिखा दी। आज की माँ रहती तो झगड़ा करने के लिए पहुंच जाती, तूने मेरे बच्चे को कैसे कह दिया, लड़ाई झगड़ा हो जाता। पर सुनीति ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जो बात मैं तुझे नहीं सिखा पाई तेरी सौतेली माँ ने सिखा दी। ध्रुव जी ने कहा क्या, तपसागतम बनम चेहो, बेटा ये जो गद्दी पर बैठे हुआ है तेरा संसारिक पिता है, परम पिता परमात्मा की गोद में अगर तू बैठना चाहता है, तेरी माँ ने सत्य कहा तो तप, और मेरा विश्वास है कि तपस्या से प्रसन्न होकर के उस परम पिता की गोद तुझे प्राप्त होगी। और एक बार जो उसकी गोद में बैठ जाता है उसे फिर संसार में नहीं भटकना पड़ता। ध्रुव जी ने पूछा कि माँ वो कहाँ है, कैसे है, दिखाई क्यों नहीं देते, कहाँ है वो भगवान? छोटा बच्चा ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि माँ जिनकी तुम तपस्या करने के लिए कह रही हो वो दिखता कैसा है, किस रंग का है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है? माँ ने कहा कि बेटा वो परम पिता परमात्मा है, हम सबके जन्मदाता वही है, उन्होंने ही जन्म दिया, उनको प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। जिस प्रकार से दूध में घी छिपा है, आप सोचोगे कि दीपक जलाने के लिए दूध डाल दिया उसमें घी है तो दीपक जलेगा, नहीं जलेगा, दूध को पहले दही बनानी पड़ती है, दही को मत करके मक्खन बनता है, मक्खन गला करके फिर घी बनता है, जबकि वो दूध में ही है, दिखाई नहीं देता, परंतु ये घी प्रकट करने की क्रियाएं हैं। तब उस घी से आप पकौड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, दीपक जलाओ, उसका वो धर्म है घी का। उसी प्रकार से बेटा ये मानव तन है, इस तन को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, हवा चलती है महसूस होती है दिखती नहीं है, ऐसे परम पिता परमात्मा उनकी कृपा निरंतर बरसती है, व्यक्ति अहंकार होकर के सोचता है कि मेरी मेहनत का फल है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विदीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, पर कर्म करना पड़ता है, वो कर्म सत्कर्म बनता है तब भगवान के चरणों तक व्यक्ति पहुंचता है।
और जब सत्कर्म नहीं होगा, वही सत्कर्म दुष्कर्म बन जाएगा, तो नर्क की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मणा जायते गन्तु। माता कुंती ने गुरु जी को बहुत समझाया और समझा करके कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 5 वर्ष का बालक घर को छोड़ के चला गया। सच्ची लगन मन में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जिस कार्य के लिए प्रयास आप करोगे वो कार्य अवश्य हो गया। 5 वर्ष का बालक गुरु जब गई निरंजन में अकेला, बड़े बड़े शेर चीते हाथी जिस वन में रहते थे, तो बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन भी नहीं होता। संत माने सतगुरु, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक जा रहा है, इसकी मैं परीक्षा तो लूं कि वास्तव में ये सच्चा भक्त है या नकली है। क्योंकि आजकल कई लोग घर में झगड़ा होता है, आत्महत्या करने के लिए गंगा में कूदने के चले जाते हैं। जैसे ही गंगा तट पे पहुंचते अपने नाती की याद आई, जो मेरे साथ सोता है, मेरी बिगड़ नहीं रह पाया, कैसे रहेगा, वो लौट करके घर आ जाता। ऐसे नारद जी सामने आए, गुरु जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नाधुनाम्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामं कुमारस्य सशक्तं त्रेयमादुषु। ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी समझ गए संस्कारी बालक है। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, घर से झगड़ा करके आए हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परम पिता को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, बच्चों का खेल नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महल से हजारों वर्ष तक तप करते हैं, तब भी एक झलक नहीं पाते। तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने की है, क्या घर में झगड़ा हो गया, किसी ने तुम्हें डांट दिया, इसलिए तुम वापिस नहीं जाओ। कुमार भी जब घड़ा बनाता है तो पहले ठोकता है, देखता है पक्का है कि नहीं। ऐसे भक्त होता है, भक्त जब तपता है, कठिन परिश्रम करता है, श्रद्धा विश्वास रखता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति उसे होती है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, न मेरा किसी से झगड़ा हुआ, न मन मिटा हुआ, मैं तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। काय रास्ता किसने बताया, कहा मेरी मां ने। ध्रुव जी समझ गई, बाल हट है, जो मन में आया बच्चे का वो करता है। बाल हट, क्रिया हट और जोग हट, 3 हटे बड़ी प्रसिद्ध है। नारद जी ने कहा, बेटा तो वास्तव में योग्य है। नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का एक मंत्र दिया, ध्यान देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा, तुम इस मंत्र का जप करना, यहां से वृंदावन के समीप यमुना नदी का तट है, उस तट पे आनंदवन स्थान एक घाट है, वहां पे तुम जाना और वहां पर तुम समाधि लगा करके भगवान का तप करना। मेरा विश्वास है कि भगवान की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए ध्रुव जी वहां से निकले और पहुंच गई यमुना जी के तट पर।
यमुना जी के तट पे जब गए तो एक महीने तक पानी पीकर के भगवान का स्मरण किया, खड़े रहे। दूसरे महीने में जल का भी त्याग कर दिया, पत्ते इत्यादि खाने लगी। तीसरे महीने के बाद केवल हवा से जीवित रहने लगी। चौथा पांचवा जैसे छठवा महीना प्रारंभ हुआ, एक अंगूठी में खड़े होकर के ध्रुव जी ने तप किया। परम स्पर्शं च बालं कृपया कबूलो। ध्रुव जी के तप से चारों तरफ ऑक्सीजन हवा बंद हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बिना ऑक्सीजन का जीव जंतु पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। देवता लोग भी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गई। भगवान ने विष्णु से कहा, प्रभु आपका एक भक्त 6 महीने से इतना कठोर तप कर रहा है, उसके तप के प्रभाव से हवा रुक गई है, कृपा करके उसे दर्शन दे दीजिए, नहीं तो संसार के सारे प्राणी मर जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं उसे दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। 5 वर्ष का बालक भगवान अपना शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। परम स्पर्शं च बालं कृपया कपोलो। भगवान जब सामने उपस्थित हो गए, ध्रुव जी तो मन ही मन भगवान की छवि का दर्शन कर रहे थे। जो छवि मन के अंदर थी उसी छवि में भगवान सामने उपस्थित थे। ध्रुव जी ने तो नेत्र बंद कर रखे, आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा, न मालूम कब आंखें खोलेगा, कब तक मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान जी ने ध्रुव के अंदर जो छवि थी वो अदृश्य कर दी। जिस प्रकार मछली पानी के बगैर फड़फड़ाती है, ऐसे ध्रुव जी फड़फड़ाने लगी। नेत्र खोले तो सामने देखा कि साक्षात परम पिता परमात्मा 6 महीने से जिस छवि का अंतर मन में दर्शन कर रहे थे, सामने खड़ी, चरणों में लेट गई। मूकं करोति पातालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। 5 वर्ष का बालक विद्यालय तो कभी देखा नहीं था, न स्तुति करना जानते, न वंदना करना जानते, न पूजा की कोई सामग्री, क्या करें। ध्रुव जी मन में विचार करें, भगवान समझ गए। भगवान ने अपने संग से ध्रुव जी के कपोल मल काल का स्पर्श किया, ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। मूकं करोति पातालं, गूंगा व्यक्ति भी जिनकी कृपा से बोलने लग जाता है, लंगड़ा चढ़ने लग जाता है, ऐसे परम पिता की कृपा से ध्रुव जी अब काल का स्पर्श हुआ शंख से तो वेदों से स्तुति करने लगे। योन्ता प्रवेश ममाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल सत्यधर स्वधाम्नां अन्याश्च चरणो श्रवणो त्वदादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, अंतःकरण से आपकी क्या स्तुति करूं, सारे जगत की परम पिता तो आप हैं।